दोस्तों जोमेटो के ऑर्डर ना तो अब कैंसिल होते हैं और ना ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दोस्तों क्यों नहीं होते, ऐसे तीन बड़े कारण है जिसकी वजह से आप जोमेटो के ऑर्डर ना तो कैंसिल कर पाते हो और ना ही आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हो। और दोस्तों अगर आप जोमेटो में एज ए डिलीवरी बॉय बनकर अगर आप इसमें काम करते हो तो आपकी जोमेटो आई डी पर क्या फर्क पड़ता है जब आप ऑर्डर को कैंसिल करते हो या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे पहला मेन कारण कि अब आपकी जोमेटो आईडी से ऑर्डर कैंसिल या फिर कस्टमर के द्वारा ऑर्डर कैंसिल क्यों नहीं होते। दोस्तों पहले क्या होता था कि आपको टारगेट पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको ऑर्डर करने पड़ते थे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करो और ज्यादा से ज्यादा आपको टारगेट इंसेंटिव मिले। दोस्तों उस टाइम क्या सोचते थे कि आपके पास किसी भी दूर लोकेशन का ऑर्डर ना आए, आपके पास सोचते थे कि आपके पास 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 के लोकेशन का ऑर्डर आए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कर पाओ और अच्छा इंसेंटिव आप अर्न कर पाओ। तो इसलिए आपके पास कोई ऐसा दूर का ऑर्डर आ जाता था यानी 10-11 किलोमीटर के आसपास, तो आप उस ऑर्डर को कैंसिल या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। यानी आप सोचते थे कि अगर आप वहां पर एक ऑर्डर 10-11 किलोमीटर पर देने जाओगे यानी इतने में आप पास पास की लोकेशन के आप 3 से 4 ऑर्डर आप कंप्लीट कर पाओगे जिससे आपको टारगेट आपको इंसेंटिव भी अच्छा आपका मिलेगा। टारगेट इंसेंटिव मिलता कैसे दोस्तों उस टाइम कि आपको एक ऑर्डर कंप्लीट करने के आपको 2 टच पॉइंट मिलते थे, यानी कि अगर आपने 10 ऑर्डर कर दिए तो आपको 20 टच पॉइंट मिलते थे और 20 टच पॉइंट के आपको 100 रुपये दिए जाते थे। और ऐसे ही अगर आप 28 टच पॉइंट कंप्लीट कर लेते थे यानी आपने 14 ऑर्डर कंप्लीट किए तो आपको 250 रुपये आपको अलग से इंसेंटिव मिलता था। तो देन आप सोचते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव आप कमा पाए। और लेकिन अब जोमेटो ने जो करंट में अब चल रहा है, अब उन्होंने आपका जो इंसेंटिव है वो टच पॉइंट या फिर ऑर्डर के हिसाब से नहीं किया, अब उन्होंने जो किया वो पैसों के हिसाब से किया। यानी कि आप चाहे आप 2 ऑर्डर करो चाहे आप 3 ऑर्डर करो, जितने अच्छे आप पैसे आप कमाओगे ऑर्डर करके, यानी कि लाइक आपने 210 रुपये अगर आपने ऑर्डर कंप्लीट करके आपने कमा लिए तो आपको यहाँ पर 115 रुपये आपको इंसेंटिव मिलेगा। ऐसे अगर आपने 270 रुपये कमाए हैं तो आपको 150 रुपये आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ पहले वाले इंसेंटिव की, टारगेट इंसेंटिव की, और अब वाले इंसेंटिव की, तो काफी डिफरेंट है। यानी पहले आप काफी अच्छा पैसा अर्न कर पाते थे और अब की मैं बात करूं तो अब आपको बहुत ही कम पैसा अर्न करने का मौका मिलता है। पहले आपको ज्यादा पैसा अर्न करने का मौका मिलता था, यानी कि पहले आप ऑर्डर कैंसिल कर देते थे लेकिन आपकी जोमेटो आईडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे वो आपकी तरफ से आपकी जोमेटो आईडी से ऑर्डर कैंसिल हुआ हो या फिर कस्टमर के द्वारा हुआ हो, तब भी आपको पैसे मिलते थे। चाहे वो कस्टमर के द्वारा हुआ हो तब भी आपको, अगर आपने एक बार वो पिक कर लिया तो आपको तब भी उसके पैसे मिलते थे। और अब आपको ऑर्डर के जो पैसे मिलते हैं उसके हिसाब से आपका टारगेट इंसेंटिव रखा गया। पहले आपका ऑर्डर टच पॉइंट के हिसाब से आपको पैसे मिलते थे, तो अगर आपके पास कोई दूर का ऑर्डर आ जाता तो आप उसे कैंसिल कर देते थे। लेकिन अब आप सोचते हैं कि आपके अगर आपके पास कोई दूर का ऑर्डर आता है तो आप बड़े खुश होते हैं क्योंकि आपका उसमें ज्यादा आपकी अर्निंग होती है, यानी आपको उसमें किलोमीटर के पैसे भी आपको मिलते हैं। यानी कि आपका जो अब इंसेंटिव है वो आपका पैसों के हिसाब से कर दिया है। आप यही सोचते हैं कि आपके पास दूर का ऑर्डर है यानी ज्यादा ऑर्डर ना करने पड़े इंसेंटिव के लिए, तो आपको कम ऑर्डर करने होते हैं इंसेंटिव के लिए। पहले आपको ज्यादा ऑर्डर करने पड़ते थे इंसेंटिव के लिए। तो ये है सबसे पहला मेन कारण जिसे कि आपका ऑर्डर अब कैंसिल नहीं होता या फिर कस्टमर के द्वारा या फिर आपके द्वारा। दोस्तों अब दूसरा सबसे बड़ा मेन कारण कि पहले आप अपनी एप्लीकेशन से ऑर्डर को कैंसिल या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे तो आपका कोई भी आपको पेनल्टी नहीं पड़ती थी, यानी आपके कोई भी पैसे आपके नहीं कटते थे। अगर आप अपनी आईडी से या फिर कस्टमर के द्वारा ऑर्डर कैंसिल कर देते थे तो आपको उसके पैसे मिलते थे, यानी आपने एक बार ऑर्डर को पिक कर लिया अपनी एप्लीकेशन से या फिर अपने मोबाइल से तो आपको उसके पैसे आपको डेफिनेटली मिल रहे थे। लेकिन अब क्या होता है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन से कोई भी ऑर्डर कैंसिल करते हो डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वैसे तो दोस्तों जोमेटो कंपनी आपको बोलते कि आप एक ही ऑर्डर डिनाइल कर सकते हो। डिनाइल दोस्तों ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर आ गया यानी दूर का है या आप सोचते हो कि आपके बाइक में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन आपको मिल जाता था तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, तो वो आपकी स्क्रीन से वो ऑर्डर हट जाता था, किसी और राइडर के पास चला जाता था। तो ऐसे अब होता है, पहले भी होता है, लेकिन अगर आप ये करते हो
दो बार अगर आपने ये कर दिया या फिर एक बार या फिर दो बार कैंसिल कर दिया तो आपका इंसेंटिव आपको नहीं मिलेगा, जो भी आपका इंसेंटिव आपने अचीव किया है। देन उसके बाद आपके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी, पहले आपके ऊपर पेनल्टी नहीं पड़ती थी, यानी अब आपकी जो पेनल्टी पड़ेगी आपको 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में कुछ भी पड़ सकती है, मैं ये कह नहीं सकता। लेकिन दोस्तों अब जो है आपको पेनल्टी पड़ेगी, और अब अगर आप ऑर्डर कैंसिल करोगे तो आपको ये पेनल्टी जरूर भरनी पड़ेगी। तो इसलिए आप सोचते हो कि अब आप ये ऑर्डर ना कैंसिल करें तो आप इस टाइम वो ऑर्डर दे आते हो, क्योंकि इस टाइम ऑर्डर भी कम होते हैं और आप सोचते हो कि ये ऑर्डर देने में ही फायदा है। दोस्तों अब तीसरा सबसे बड़ा मेन कारण है कि पहले क्या होता था कि आप ऑर्डर को कैंसिल करते थे अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, तो आपको उसके पैसे मिलते थे अगर आपने एक बार वो पिक कर लिया, या फिर कस्टमर का आपके पास कॉल आया और वो बोल रहा है कि मुझे ये ऑर्डर कैंसिल कराना है, तो आप अपने इजीली से अपनी एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव को आप फोन कर सकते थे, यानी अपनी एप्लीकेशन के थ्रू। तो आपका वो ऑर्डर 10 या फिर 5 मिनट के अंडर के मिनट के अंदर वो ऑर्डर आपका इजीली से आपका कैंसिल हो जाता था और बकायदा आपको उसके पैसे मिलते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर आप ऐसे आप ऑर्डर कैंसिल करोगे तो अब क्या होता है कि आपका 1 से 1.5 घंटा आपका लग जाएगा, यानी वो ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, आपका काफ़ी टाइम आपको वहाँ पर वेट करना पड़ेगा एक ही लोकेशन पर। पहले आपको उसकी ड्रॉप लोकेशन पर जाना होगा, फिर आपका वो ऑर्डर कैंसिल हो पाएगा, वो भी आपका 1 से 1.5 घंटे के बीच में, यानी कि आपका काफ़ी समय आपका लग सकता है। तो इसलिए आप सोचते हो कि आपका एक भी ऑर्डर कैंसिल नहीं हुए, तो यानी कि अगर आपके पास ऐसा ऑर्डर आ जाता है यानी जिसमें कस्टमर बोलता है कि मैं ये ऑर्डर कैंसिल कराना चाहता हूं, तो आप कोशिश करते हो कि या तो वो कस्टमर के द्वारा ही एप्लीकेशन से यानी कि वो ऑर्डर कैंसिल हो तभी वो कैंसिल होगा, या फिर आप सोचते हो कि कस्टमर को वो ऑर्डर जरूर डिलीवर करें। क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है कि आपके अगर ज्यादा आपके ऑर्डर कैंसिल होंगे तो आपकी जोमेटो आईडी टर्मिनेट होने का खतरा रहता है, इसलिए आप यही सोचते हैं कि वो ऑर्डर जो आपके पास आया है वो कस्टमर से आप अच्छे से बात करते हैं और सोचते हैं कि वो ऑर्डर डिलीवर हो तभी आपको उसके पैसे मिलते हैं, वरना आप अगर वो ऑर्डर कैंसिल होगा एक तो आपके पैसे भी कटेंगे ऊपर से आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो ये तीन बड़े मेन कारण जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, तो आपको जरूर अच्छे लगेंगे। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की टेक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।